नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम आए हुए हैं बलवाड़ी गांव में। यहां पे एक टीम है, सुधरेगा इंडिया टीम, जो समाज सेवी एक ग्रुप बना रखा है नौजवान साथियों ने। वो आए दिन समाज में एक से बढ़कर एक सामाजिक काम करते रहते हैं, चाहे गरीब बेटियों की शादी हो, चाहे किसी पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे कोई बीमार व्यक्ति जो दवा वगैरह लेने में समर्थ ना हो, जो अपना इलाज करने में समर्थ ना हो, ऐसे व्यक्तियों की वो मदद करते हैं। जहां भी समाज में उनकी जरूरत जहां दिखाई देती है, वहीं ये टीम पहुंच जाती है और किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई काम करती है। तो आज ये टीम बनी हुई है, आज हम इनसे मिलेंगे। दिवाली का त्योहार आने वाला है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। क्या विचार है इस टीम को और क्या कहते हैं ये लोग, चलो मिलवाते हैं हम आपको उस टीम सुधरेगा इंडिया से। जब भी हमने देखा है काफी युवाओं का इनका जोश अलग ही देखने को मिलता है और ये टीम एकजुट होकर काम कर रही है और हमेशा साथ रहते हैं और एक अच्छा नए नए प्लानिंग करते रहते हैं कि समाज में और क्या किया जाए और क्या करें, कैसे करें, इस तरह की प्लान ये टीम करती रहती है। तो आज हम मिलवाते हैं इस टीम से और इसके विचार सुनते हैं। पहले तो भाई ये बैठी है सुधरेगा इंडिया टीम बलवाड़ी गांव में। मैं इन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, सियापति रामचंद्र की जय। पहले तो सभी भाई अपना परिचय दें, आप अपना नाम बताएं। सारे भाई कौन कौन भाई बैठे हैं यहाँ पे? मामला सिंह बलवाड़ी, कपिल शर्मा बलवाड़ी, लोकेश चौहान बलवाड़ी, अमित चौहान बलवाड़ी, कुक्कन चौहान बलवाड़ी, अन्नू बलवाड़ी, विनय चौहान, पेड़ू चौहान बलवाड़ी, राकेश चौहान बलवाड़ी, पिंटू बलवाड़ी, ज्ञानेंद्र सिंह बलवाड़ी। भाई मैं एक विचार रखने के लिए आया था, आपकी टीम से मिलकर बड़ी खुशी हुई और आपके चर्चे आए दिन हम सुनते रहते हैं समाज में, आज आपने ये किया, आज वो किया, एक युवा वर्ग को एक अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं आपके जो नेटवर्क चला रखा है आपने सुधरेगा इंडिया। तो आज हम दिवाली का त्योहार आने वाला है, तो क्या विचार है आपको दिवाली को लेकर, वो थोड़ा शेयर करें क्योंकि काफी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो उनको थोड़ा बताएं कि किस तरह से त्योहार मनाया जाए, क्या सुरक्षा को लेकर किस तरह के कदम उठाने चाहिए पेरेंट्स को और किस तरह ये त्योहार मनाना चाहिए। थोड़ा भाई बात करें। आपका स्वागत है बैठिए हमारे घर में भाई जान। तो भाई दिवाली के ऊपर पहले सबसे पहले तो सभी को राम राम, जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए। और तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हो मौसम कितना पोल्यूशन, अब आसमान में हमारी आंखों में कितनी जलन हो रही है, कितना पोल्यूशन है। तो भाई ने जो मैटर उठाया है दिवाली के ऊपर वो बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले तो भाई आप बधाई के पात्र हैं। दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए युवा साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं तो हम अभी भी उसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि पोल्यूशन के बारे में क्या हम अपना योगदान दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं। तो आप आगे तो आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने तो पहले से ही संकल्प कर रखा है कि इस बार हम बिल्कुल भी पटाखे दिवाली पे चलाएंगे नहीं, और चलाएंगे तो इको फ्रेंडली पटाखे चलाएंगे जिससे वातावरण बिल्कुल स्वच्छ रहे। हम अपना योगदान जितना दे सकते हैं उतना देंगे और जो भी जितना भी प्रदूषण जैसे कि कचरा जलाने से होता है और भी धूल उड़ती है, डस्ट उड़ती है, जितनी भी वो सारी एक्टिविटी हम देख रहे हैं अपने गाँव में और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी। तो अब हमारे भाई सुधरेगा इंडिया टीम के जो सीईओ हैं राकेश चौहान, इन्हें भी अपने विचार रखेंगे इसके ऊपर। तो मैं भाई से, जय श्री राम भाई, तो भाई साहब आप भी अपने विचार बताओ। भाइयों एक तो सबसे बड़ी समस्या जैसे भाई ने बता दी वायु प्रदूषण की, दूसरी एक समस्या और आती है इन दिनों में कि जो मिठाई को लेकर बहुत चलती है, जैसा कि जैसे छोटी दिवाली आएगी बड़ी दिवाली आएगी तो मिठाइयाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और मिलावट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हलवाई कभी भी पूरे देश की पूर्ति नहीं कर पाएगा। और जहाँ तक हिंदुस्तान एक हिंदुओं का त्यौहार है और इसमें लगभग लगभग दिवाली मनाई जाती है हिंदुस्तान में, तो मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा संख्या में बनाई जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि मिठाइयों में मिलावट नहीं होती होगी। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि आप ये दो चार दिन जो त्यौहार के होते हैं इन दिनों आप बस मिठाई से थोड़ा सा दूरी जरूर बना लें, और दूरी नहीं बना सकते तो अपने घर में बनाएं, स्वस्थ और शुद्ध मिठाई बनाएं और उसका इस्तेमाल करें। कोई और भाई अपने विचार रखना चाहता हो तो रख सकते हैं। हाँ भाई पिंटू लो। जैसा कि राम जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर किया था, तो मैं भी यही संदेश दूंगा कि सभी पटाखों से दूर रहें और दीप जलाकर दिवाली को सुशोभित करें। हाँ मतलब चाइनीज लड़ी ना लगाई जाए, उसकी बजाय दीपक इस्तेमाल किए जाएं ताकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको भी दो पैसे का रोजगार मिल सके और दो पैसे की रोजगार मिलने से उनके घर भी कहीं ना कहीं दिवाली मन सके। देखिए मैं एक और अपना सुझाव देना चाहूंगा, आप जो ये शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है,
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप स्वदेशी का इस्तेमाल करें, जो भाई हमारे छोटे मोटे जो कारोबारी हैं, ताकि उनको भी फायदा मिल सके और हमारा पैसा हमारे देश में रहे, ना कि कोई बाहर जाए। क्योंकि आजकल लोग लुभावने इतने सारे विज्ञापन आ रहे हैं, हम उनको देखते नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बस उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं और हम विदेशी ऑनलाइन के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्वदेशी पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि मोदी जी का भी कार्यक्रम है स्वदेशी अपनाओ। तो यही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग के पीछे न भागें, और दिवाली पे जितने भी ये मिठाई भाई ने बताया, मावा बहुत ही थर्ड क्वालिटी का होता है, क्योंकि इतनी पूर्ति होती नहीं है। हाँ। तो वो हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ चले जाएं वहाँ से खा लें, लेकिन वो कुछ नहीं है, उनकी पूर्ति नहीं होती, तो वो मिलावट का जहर होता है। आप इतने वो टेस्ट में भी फेल हो जाते हैं, लेकिन बस वो ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात है, तो वो ऐसे चल रहा है ट्रेंड में। तो यही कहना चाहूँगा। और दोस्तों, पटाखे चलाएं तो बड़े ना चलाएं, और बड़े चलाएं तो सोच समझ के चलाएं, देख लेना ये जमींदार लोगों की है ना कड़वी रखी खेतों में। हाँ, ये रॉकेट ना चलाएं, हाँ, जितनी भी हो ये इन ये बच जाएं भाई, तो आराम से देख के सोच समझ के चलाएं कि कौन सी दिशा में चला रहे हैं। नशे से दूर रहें, घर वालों के साथ अच्छी तरह दिवाली मनाएं, खुशियां मनाएं अपने परिवार के साथ। ये नहीं है कि कहीं आप बैठ के दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कोई और नशा कर रहे हैं, ठीक है। बस यही कहूँगा, अच्छे से खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाएं, और इसी के साथ आप सभी को हैप्पी दिवाली और सियापति रामचंद्र की जय। जैसा कि आपने देखा किस तरह से इस टीम के विचार आपने सुने दिवाली के ऊपर, किस तरह की इनकी सोच है, क्या क्या ये प्लान कर रहे हैं, प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के इन्होंने बताए प्रबंध करने हैं, बड़े पटाखे ना चलाएं, ग्रीन पटाखे ही चलाएं, कड़बी रखी है आजकल पशुओं का जो चारा है, इसके लिए रॉकेट का कम से कम इस्तेमाल करें, बच्चों को अपने साथ रख के ही दिवाली मनाएं, ताकि उन बच्चों को चोट ना लगे, इस तरह के गलत पटाखे ना छुटाने दें, शराब से दूर रहें, क्योंकि त्यौहार पर आजकल कोई भी हमारा त्यौहार होता है उसको शराब से मनाने का ट्रेंड चल रहा है, तो इस त्यौहार को शराब के साथ ना रह के घर में बैठ के मनाएं। मिठाइयों से जो भी बाजार की मिलावटी मिठाइयां आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि आए दिन छापे पड़ रहे हैं तो गलत मिठाइयां आ रही हैं, तो मिठाइयों का इस्तेमाल कम से कम करें, अपने घर में ही बनाकर मिठाइयां खाएं, विदेशी चीजें जैसे कि लड़ी वगैरह है वो ना जलाकर मिट्टी के दिए जलाएं, ताकि और भी गरीब परिवार हैं जो ये दिए बेचते हैं उनके भी परिवार चल सकें। और भाइयों ने बताया कि बाजार में जो शॉपिंग हम ऑनलाइन करते हैं उसके बजाय जो हमारे ही पड़ोसी अड़ोसी बाजार में दुकान लगाए बैठे हैं उनकी दुकानों से सामान खरीदे, ताकि उनका भी त्यौहार मन सके और बाजारों की रौनक भी बढ़ सके। तो कितने अच्छे विचार भाई ने बताए, ये विचार है और यही प्रयास है इस टीम का। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई साहब एक बार कुछ कहना चाहेंगे हमारे भाई। जी भाई साहब, मैं कहना चाहूंगा कि ये देखिए हमारा एक चैनल है सुधरेगा इंडिया, तो सभी से अपील करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी गरीब अपने आसपास में जो ऐसे आए हैं गरीब हैं उनकी सहायता के लिए हम कैंपेन चला रखा है, तो आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी गरीब हैं, बीमार हैं किसी से, या किसी बहन बेटी की शादी में असमर्थ है, तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम उनकी निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता करेंगे। जी, जैसा कि हमारी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने एक मंगतू राम की वीडियो बनाई थी जो कल ही डाली थी, उस वीडियो में हमने बताया था कि सुधरेगा इंडिया वो टीम है जिसकी उसकी हेल्प की थी उस बंदे की, ये वही टीम है, ये सोनू भाई है और ये भाई साहब है, इन्होंने ही उस बंदे के जो भी उसके हालात थे हमने सारी डिटेल में बताई थी, उनके साथ जो हेल्प की वो भी यही टीम थी। तो इस टीम सुधरेगा इंडिया के साथ कोई भाई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, हेल्प किसी की जब हेल्प चाहिए तो भी, और किसी की हेल्प करना कोई चाहता हो, समाज से भी कोई आदमी इस तरह का हो, तो भी इस टीम के साथ जुड़ सकता है। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।